introduce yourself. मेरा नाम अक्षय कुमार झा है. मैंने बीकॉम कर रखा हुआ है 2016 में. मैं बिहार का रहने वाला हूँ. मेरे पिताजी चीन पे रहते हैं, वो कंपनी में सुपरवाइजर है. माता जी मेरी हाउस वाइफ है. मेरे छोटे भाई हैं जो कि इंजीनियरिंग में वर्क करते हैं. ओके, सो आपने बीकॉम के बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बीकॉम ही है. ओके, आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज में सर मूवी देखना, गाने सुनना और खाने बनाना. कुछ अभी बैंकिंग के बारे में अगर बताया पूछा जाए तो आप NTTL का नाम सुने हैं? यस सर, नेट डिमांड टाइम डेबिट. हाँ, इसको समझा पाएंगे कुछ इसके बारे में? एट ए टाइम जब बैंक में आपके पास पूरा डिपॉजिट होता है, कासा सेविंग FD और RD मिला के उसको कहते हैं NTTL. ओके, इसके कोई फॉर्मूला है NTTL निकालने का कुछ? NTTL निकालने का सर फॉर्मूला सॉरी सर. ओके, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है सेक्टर में जाने के लिए. और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि इसमें जो करिकुलम है इसका, वो मेरा प्रेफर्ड था क्योंकि जीके नहीं था क्योंकि मुझे थोड़ा टफ लगता है जिस कारण से ये सेक्टर में लगे. आप क्लरिकल में जाना चाहते हैं या पीओ में जाना चाहते हैं? जी पीओ. उसके लिए आप क्या एफर्ट कर रहे हो बेटा? क्या आपने किया है, आपने क्या पढ़ा है या क्या चीज आपने ली है ताकि इस चीज को आप क्रैक कर सको? जितने सर नॉर्मली तो जो पहले एग्जाम पास करने के लिए सारी तैयारी करी हुई है. फॉर एग्जाम्पल सर एग्जाम तैयारी करोगे तभी PTO और मेंस निकला हुआ है. और बाकी अभी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा हूँ, बाकी फाइनल इंटरव्यू के बाद ही होगा. अभी गवर्नर कौन है? RBI शक्तिकांत दास. ओके, RBI के फंक्शंस के बारे में मुझे 3-4 पॉइंट बता पाओगे कि ये जी फंक्शनिंग है? RBI मेन फंक्शन तो उसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करना है. उसके बाद गवर्नमेंट का बैंक कह सकते हैं, उसको बैंकों का बैंक कह सकते हैं. और करेंसी जो इंडियन जो करेंसी चलती है उसको रेगुलेट करना, बैंकों को बैंकों को सुपरवाइज करना. बैंक किसको बोलते हैं? बैंक एक वित्तीय संस्था है जो वित्तीय लेन देन करती है. हम उसमें पैसा डालते हैं और उसके बदले में हमें लोन देते हैं, हमसे डिपॉजिट लेते हैं और हमें लोन देते हैं. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इंडियन बैंक ने 1987 में या 88 में, मुझे पूरी याद नहीं है, उन्होंने लॉन्च करा था जिसके थ्रू आप लोन लेते हो किसान एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसानों को हेल्प करने के लिए लोन दे. ये मतलब ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन है कि किसान क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट स्कीम के थ्रू आप किसी भी चीज़ के लिए लोन ले सकते हो? एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन ले सकते हैं. वो मतलब कौन कौन सी चीज हो सकते हैं? जैसे हॉर्टिकल्चर हो सकता है, फार्मिंग हो सकता है. चेक क्या होता है? चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक इशू करती है. बैंक आपको चेक देती है, आप उसको इशू करके किसी और को दे सकते हैं. एक मीडियम हो सकता है जैसे कि फाइनेंस का मीडियम हो सकता है. पैसे का लेन देन. हाँ, पैसे का लेन देन. ड्राफ्ट क्यों इशू कराते हो आप? ड्राफ्ट सर इशू कराने में, ड्राफ्ट भी आप इशू करवा सकते हैं पर चेक ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. आप उस हिसाब आप उस हिसाब से चेक अपने हिसाब से काट के दे सकते हैं. जब हम ड्राफ्ट में आपको पहले बैंक जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे पैसे जमा कराए, फिर आप ड्राफ्ट बनाए, फिर उसको भेजे, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है. चेक में आप सीधा जा करके दे देते उसको अपना बैंक में. चेक भी पेमेंट का जरिया है. यस, ड्राफ्ट पेमेंट का जरिया है. यस, दोनों में फर्क क्या है?
सकते हैं आपकी जो अभी सारी योजनाएं बना रही है गवर्नमेंट, तो इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं? यस सर। आत्मनिर्भर भारत, यस, ये किन किन इनके कोई पांच पॉइंट्स आप बता सकते हो कि इस वजह से ये स्कीम आया? आत्मनिर्भर सर लाना पड़ा क्योंकि यदि आप अपने देश का प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं तो आप जल्दी ग्रो करेंगे, आपका डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, जो इतना ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी के साथ में जो हम लैग कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता, कभी इंपोर्ट बढ़ जाता, उसका जो लॉस है उसको भी मैनेज किया जा सकता है इससे। आरटीपीसीआर क्या है? क्या सर? आरटीपीसीआर रिलेटेड टू कोविड। अच्छा, टेस्टिंग किट है सर, उसकी फुल फॉर्म के बारे में बता सकते हो? हाँ, नहीं जाना। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक बनाया हुआ मशीनरी टूल है जिसका उपयोग करके हम किसी भी सेक्टर में जो मैनुअल गलतियाँ होती हैं, ह्यूमन सी गलतियाँ होती हैं, उसको रोकने के लिए बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक वर्ड इस साल आया है, इससे पहले नहीं था, सिमिलर एज आर्टिफिशियल है, इमोशनल इंटेलिजेंस। सर इसके बारे में डिटेल नहीं पता था। ओके, फिर भी कुछ पॉइंट आपके नॉलेज से बताइए कि किन किन पॉइंटों को कनेक्ट करता होगा इमोशनल इंटेलिजेंस। सर उसका डिटेल पढ़ा ही नहीं। ओके फाइन सर। जो प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम लॉन्च की है पिछले 5-6 साल में, कौन कौन सी स्कीम के बारे में आपको पता है जो बैंकिंग के थ्रू इस्तेमाल में आती है? मैक्सिमम सर बैंकिंग के थ्रू ही जाती है। एग्जांपल सोच के आपको याद है, इसलिए आपको पता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री किसी साल क्या होता है उसमें क्या होता है फसल बीमा योजना है? फसल बीमा योजना है, आपको सर इंश्योरेंस लेना रहता है, इंश्योरेंस लेने के लिए आपको पेमेंट कर, आप जो पेमेंट करते हैं उसके ऊपर सब्सिडी देती है बैंक, किसी ना किसी थ्रू से सर फिनांस जाएगा, तो सरकार जब भी फिनांस करेगी वो बैंक के थ्रू ही फिनांस करेगी। और बताओ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है जिसमें कि 2000 करके 3 इंस्टॉलमेंट से गवर्नमेंट देती है, डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है उसमें किसान के अकाउंट में, सबसे इम्पोर्टेंट ये है किसान के अकाउंट में जाएगा पैसा, किसी के हाथ में नहीं आएगा, डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाएगा। जो बिचौलियों को निकालने के लिए बिचौलिए पहुँचाते नहीं है तो उसको ये डायरेक्ट उनके किसानों के अकाउंट में जाएंगे पैसे। उसके बाद सर उन्होंने इंश्योरेंस निकाला हुआ था, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना करके निकाला हुआ है, 18 to 14 ईयर्स के लिए, और 60 पर आपके मैच्योर होने के बाद आपको 3000 पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिलेगा। आपने बी कॉम किया हुआ है? यस। ओके, बी कॉम में आपकी ऑनर्स था या फिर जनरल थे? नहीं, ऑनर्स ही था। आप एक बेसिक क्वेश्चन है, गोल्डन रूल क्या है अकाउंट्स की? अकाउंट्स की गोल्डन रूल सर थ्री प्रिंसिपल जो होते हैं उसके सर उसके जो रूल हैं अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट होता है, रियल होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ऐसे सर अभी फिलहाल उसको एक होता है डेबिट वाज कम्स इन क्रेडिट वाज गोज आउट होता है, कैश वो सर थोड़ा सा भूल रहा हूं। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो या फिर कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर लास्ट में बनाया जाता है कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखने के लिए। ओके, तो फर्स्ट थिंग है कि आपकी थोड़े से नर्वस पॉइंट है। आपको एक किट मिली होगी कोई यहाँ से PDF में, उसमें पूरे CV का एक फॉर्मेट होगा? नहीं मिला आपको किट इंटरव्यू के लिए? ओके, सेकंड थिंग है कि आप तो देखो एकदम पीछे से हम जब शुरुआत करें तो आप सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो
तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम जब अकाउंट्स में बैठते हैं करते हैं तो उसके लिए प्रिंसिपल गोल्डन रूल कहा जाता है, उसको आपको एक बार देखना है, ठीक है। डेबिट कार्ड कमसेस ठीक है और गोज आउट ये थर्ड वन और बोल बोल ठीक है, ठीक है। आर टी पी सी आर के बारे में इसलिए क्योंकि ये टेस्टिंग है, हाँ इसके इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी आप मतलब प्रिपरेशन के बारे में सीरियस है या फिर सीरियस है, और आपको कहीं ना कहीं दिखाना भी पड़ेगा। एक तो आप में ठीक है वो काम, बट थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी भी। एक चीज आपकी जो पॉजिटिव हुए हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप स्किप कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, उसमें ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो उस पर आप थ्री गोल्डन रूल का आप ये आपके लिए है, एक बार आप इससे गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग है कि आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आप सेकंड मॉक कब देना चाहते हैं, कल कल नहीं सर ठीक है, क्योंकि मेरे माता पिता के घर से आ रहे हैं कल, ओके तो शाम में, ठीक है। आप मंडे आइए तो विद फॉर्मल अटायर आइए, फॉर्मल ठीक है, फॉर्मल पहन के ही आइए, बिकॉज और जैसे इन इन इस मॉक में जो दिक्कत है कॉन्फिडेंस लेवल, आपने आज आपकी मॉक होगी कुछ प्रिपरेशन आपने किया था, किया था सर, पर मेरे जो है ना कॉमर्स रिलेटेड मटेरियल नहीं है, ओके वो भी मैं आपको व्हाट्सएप करवा देता हूँ, हाँ तो उसी कारण मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। बैंकिंग मेरा ठीक है, बैंकिंग आपका ठीक है, हिंदी टीचर ने जैसे आपने बोला उसमें आपने सिर्फ डिपॉजिट का पार्ट उठाया कि उसमें और एक पार्ट आता है जिस जो माइनस करना पड़ता है, उसके फॉर्मूला जो होते हैं सर वो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, जिसमें एनटीटीएफ माइनस आपका सीआरआर प्लस एसआरआर बढ़ता है, उसके बाद आप लेंडिंग कर सकते हो, हां तो उसकी है। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन मतलब परसेंटेज क्या होता है सीआरआर की जो मेंटेन करना पड़ता है, सीआरआर 3% है उसको, और भी जून जुलाई तक में 4% लेना होता है, इससे पहले कितना था 3%, इससे पहले 4% था, 3% फिर से फिर 4%, तो ये सारी चीजें आपकी बैंकिंग ठीक है। स्कीम्स भी बहुत ज्यादा, तो एक दो स्कीम पूछ सकते हैं, एंड आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक सर मेरे पास उसी के रिलेटेड आपको सब्जेक्टिव रिलेटेड हम भेज देंगे जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप मंडे को जो भी टाइमिंग आपका हो उस टाइमिंग पर वो सारी प्रिपरेशन करके आइए, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका भी आप डिटेलिंग कर दीजिए, एक दो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं एसबीआई के जो भी है वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। जो इस आपसे प्रीवियसली जो मॉक दिए थे उनके उस पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल अगर आपको देने बोला जाए आप क्या बताइएगा कि क्या एक एग्जाम्पल दीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। रोबोटिक्स हो सकता है ऑल्सो, जैसे हम अभी क्या करते हैं गूगल में हम टाइप ना करके बोलते हैं कुछ, ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो है इमोशनल इंटेलिजेंस में एक्सा है कोई सर, हाँ हाँ ये सारी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो चीज जो जो हमारे वर्किंग को कम कर देता है और वो स्पीड उसमें स्पीडी से रिकवरी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम जो है सपोज 40 है, आप 40 नहीं याद कर सकते तो ना सही 15-20 करो और उसके डिटेल्स आपको अच्छी पता होनी चाहिए। तो बेशक 15 के बारे में बताओ, 10 के बारे में, बट आपको